अकेडमिक्स आपकी पर्सनल इन्फॉमेसन फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ चेक करते हैं वो और उसके बेसिस पे ही आपको वो एडमिट करते हैं लेकिन इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप मतलब जो बेसिक स्टेप होता है वो होता है आपका एक इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटी है वो आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करती है जिसमें वो आपकी जेनविनिटी चेक करते हैं कि आपने जो उनको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की है क्या वो सही है वो आपकी ही है क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक अलग पर्सन मतलब अप्लाई करते हैं और उसका जो इंटरव्यू है वो कोई और देता है तो वो इस चीज़ को टैकल करने के लिए एग्जामिनर्स जो हैं उन्होंने इस इंटरव्यू को एज अ स्ट्रिक्ट पार्ट जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एज अ स्ट्रिक्ट पार्ट इसको यू नो अप्लाई किया है कि आपको ये जो इंटरव्यू है ये क्रैक करना पड़ेगा अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करनी है अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ओके सो वट इज़ बेसिकली लाइक वट कंसिस्ट जी टी इंटरव्यू क्या क्या पूछा जाता है इसमें सो so, इसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइड टू दैम इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट कुछ भी जैसे आपकी एजुकेशन uh, कि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फैमिली बैकग्राउंड फैमिली ऑक्यूपेशन फ्यूचर प्लान्स कि आप जो कोर्स uh, चूज कर रहे हो और उन वो क्या वो आपके फ्यूचर प्लान से रेलिवेंट है इस चीज़ को चेक करने के लिए वो आपके फ्यूचर प्लान्स भी पूछते हैं लाइक एवरी थिंग दे आस्क एवरी सिंगल थिंग दैट द एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइडेड टू दैम इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स ओके सो एक चीज़ ज़रूरी होती है वैन एव यू टेक द इंटरव्यू वैन यू गिव दिस इंटरव्यू इट्स नेसेसरी दैट यू बी ऑनेस्ट ठीक है मतलब आपकी ऑनेस्टी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप कुछ भी झूठ बोलोगे वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ इसने यहाँ गड़बड़ की है दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट थिंग दैट इज़ सपोज टू बी ठीक है सो मेन टिप मेरी तरफ से यही रहेगी कि यू शुड बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट एंड जो आपके बारे में मतलब आपके बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है ठीक है तो नो योर सेल्फ प्रैक्टिस एंड कुछ क्वेश्चनज होते हैं जैसे वो आपके वीज़ा से रिलेटेड होते हैं कि आ, क्या क्या कंडीशन होती है आपके वीज़ा पे या फिर आपके क्या क्या राइट्स होते हैं परमिट्स होते हैं एज मतलब वर्क परमिट्स एंड मतलब वीज़ा से रिलेटेड जो आप ऑस्ट्रेलिया में जब आप स्टे करोगे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं सो मेक श्योर यू प्रिपेयर दीज वेल एंड जी जो है उसको मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बहुत हवा बना रखे कि मतलब क्रैक नहीं होता है यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है स्काइप कॉल करती है बच्चे फंस जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है आई हैव बीन थ्रू इट यू जस्ट नीड टू बी कम्प्लीटली यू नो इन टू द जोन यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड या इट्स ईजी लाइक सी अगर आप जेनुन हो तो उनको आपकी जेनुइनिटी का पता चल जाएगा एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग फेक दैन हु कैन हेल्प सो या दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जी टी असैसमेंट और The GTE interview, which is required for Australia. Thank you. I hope this video was helpful for you. Uh, if it was, then make sure you like the video and you subscribe to our channel for getting updated with more videos of this kind. Thank you.